हेलो दोस्तों, कुक विद मीना में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बालूशाही, जिसे हम घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आइए फिर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने थाली लिया है। थाली की जगह आप अपने हिसाब से कोई भी बर्तन ले सकते हैं। थाली में 2 कप मैदा या 250 ग्राम मैदा और उसे खस्ता बनाने के लिए 3 बड़े चम्मच घी या 50 ग्राम घी लेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। मौन के लिए जो घी डाली है उसे मैदे में अच्छे से मिलाने के बाद इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालकर इसे भी अच्छे से मिला लें। पर मैंने 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाले हूँ। आप बेकिंग पाउडर के जगह बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो। बेकिंग पाउडर को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हल्के हाथों से मिलाते हुए इसका डो तैयार कर लेंगे और इसे इस तरह इसे हल्के हल्के हाथों से मिलाते हुए इसका डो तैयार कर लेंगे और इसे 20 से 25 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। इस तरह इसे कोई भी कॉटन कपड़े से ढककर रख देंगे। अब हम इसके लिए चाशनी बना लेंगे। गैस में एक कढ़ाई या अपने हिसाब से कोई भी बर्तन लें। इसमें हम डालेंगे 2 कटोरी शक्कर या 200 ग्राम शक्कर। इसका आधा कटोरी पानी डालेंगे। शक्कर के घुलने के बाद इसमें केसर के कुछ धागे डालेंगे। इलायची 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और केसर फूड कलर डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसकी चाशनी हमें एक तार नहीं बनानी है, चिपचिपे से चाशनी इसमें हमको बनानी है। 20 से 25 मिनट बाद इसे हाथों से अच्छे से दबाते हुए एक के ऊपर एक रखकर चाकू से काट लें। ऐसा हम 4 से 5 बार करते हैं ताकि बालूशाही बनाए तो उसमें अच्छे से लेयर्स आए और खस्ता बने। इस तरह इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद इसको हाथों से अच्छे से दबाते हुए इसे गोल करें। फिर हाथ से इसे इस तरह दबाकर बीच में होल करें। ऐसे ही इसी तरह सारी बालूशाही बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह सारे बालूशाही को बनाकर तैयार करेंगे। अगर साइड में क्रेक आ जाए तो उसको उंगली से अच्छे से दबा लेंगे ताकि फ्राई करते समय फटे ना। अब हम इसे डिप फ्राई करेंगे। कढ़ाई में तेल या घी लेंगे। मैंने रिफाइंड ऑयल से इसे फ्राई किया है। आप चाहे तो घी से भी फ्राई कर सकते हैं। तेल हल्का गर्म होने पर बालूशाही डालें। इस तरह इसे मीडियम फ्लेम पर पलटते पलटते गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेकें। हम हमारे बालूशाही को धीमी आंच पर ही सेकेंगे ताकि ये अंदर से अच्छे से पके और गोल्डन ब्राउन अच्छे से हो जाए। गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद इसे हल्के गर्म चाशनी में 5 मिनट के लिए डुबा के रखें। फिर 5 मिनट बाद इसे पलट कर 5 मिनट के लिए फिर से इसे चाशनी में रहने दें। यहाँ पर 1 पाव मैदे से 10 पीस बालूशाही बनकर तैयार हुआ है। 10 मिनट बाद इसे प्लेट में निकाल लेंगे और पिस्ते की कतरन से इसे सजा लेंगे। ये लीजिए, हमारी खस्ता और रसीली बालूशाही बनकर तैयार है। इस तरह इसे पिस्ते की कतरन से सजाएं। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।